म्हज्या ईव्हीएम मशिनांत वोट घाल, तुजें मत जाय तशें हांव मॅनिप्युलेट करून दाखयतां. 2018 गुजरातांत दांडी यात्रा काडून ईव्हीएम हटाव देश बचाव आंदोलन केल्ल्या अतूल पटेलान चीफ इलेक्शन कमिशनर राजीव कुमाराक थेट आव्हान दिलां, ईव्हीएम मशीन मॅनिप्युलेट करूं येता. इंजिनियर आशिल्ल्या ईव्हीएम एक्सपर्ट अतूल पटेलान सांगलां, ईव्हीएमाच्या माध्यमांतल्यान वोटींग केलें जाल्यार मतां मॅनिप्युलेट करूं येता, मशिनां घोळ घालतात असो आरोप आनी ते विशींची प्रात्यक्षिकां दाखयत भारतभर सध्या ईव्हीएमाचे विरोधात आंदोलन चल्लां. एक्टिविस्टांनी तज्ञांक बरोबर घेवन गांवागांवांत वचून ईव्हीएम मशिनांतल्यान कोणाकय मत घातलें जाल्यार तें मॅनिप्युलेट करूं येता तेची प्रात्यक्षिकां दाखोवपाक सुरवात केल्या. असोळण्या अतूल पटेल ह्या एक्टिविस्टान तेचेर जागोर केलो, पळयात. एक मायक्रो प्रोसेसर सर्किट प्रोजेक्ट रहता है पूरा, उसके अंदर जो VPAD में इसका सर्किट होता है उसमें हम रेगिंग या मैनिपुलेशन कर सकते हैं. हमने हमारा खुद का प्रोजेक्ट बनाया, हमने चुनाव पंच को और पूरे देश को जागरूक लाने के लिए बताया कि ऐसा भी हो सकता है. हम नहीं बोलता कि चुनाव पंच का जो EVM VPAD है उसमें ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं. एक इंसान, एक इंजीनियर है तो ये इतना बड़ा तंत्र चाहे कुछ भी कर सकता है. तो हमारे दिमाग में ये शंका है कि EVM निकालना चाहिए, VVPAT निकालना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जो कि पारदर्शी चुनाव है. जून 2017 में हमें पता चला कि VVPAT के आगे जो ग्लास था पहले वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था. जून 2017 में पता चला कि काला कांच कर दिया गया, मिरर, हम खड़े रहे तो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा. तो चुनाव पंच को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी और वो हमने ढूंढ के निकाला कि ये करने की वजह ये हो सकती है क्योंकि काले कांच के पीछे लाइट और जो सॉफ्टवेयर है उसके खेल से मैनिपुलेशन हो सकता है. आज पूरे देश में हमने जागरूक लाने की कोशिश की है. गोवंश जो आज फाइट कर रहे हैं, गोवंश अगेंस्ट ईवीएम बहुत जबरदस्त पूरे देश में फाइट कर रहे हैं. ऐसा सभी स्टेट वाले यदि करते तो आज ईवीएम बैन हो गया होता. करेंगे चुनाव पंच भी दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राजीव कुमार ने और उसने बताया कि कुछ लोग ऐसे निकल पड़े. तो हम चुनाव पंच को भी चैलेंज करते हैं कि आप खुद आके वोट डालिए हमारे मशीन में, मैनिपुलेशन करके हम दिखाते हैं. तो ऐसे लोगों को बच्चे को चॉकलेट देकर समझाने के बाद चुनाव पंच के राजीव कुमार मत करें क्योंकि हम चैलेंज करते हैं. यदि आपको न्याय दिलाना है, पूरे देश को ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो हमारा कहना आप आके देखें, हम दिखाएंगे, आप बोले वहां आके दिखाएंगे और पारदर्शी चुनाव करने के लिए बैलेट पेपर से. तो आप इतने जोश से कर रहे हैं कि मैनिपुलेट वोट कर सकता है अभी डाला तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम करके दिखा. हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ऐसे सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी बना सकती है और उसमें बिठा सकती है. ईव्हीएमांचो घोळ कितलीशीच वर्सां देश पळयता. वेंचणुके उपरांत नाका त्या सुवातांनी मशिनां सांपडल्यात. आमचो ह्या मशिनां वयलो विस्वास उडला, कित्याक तर तांचेर ताबो दवरप शक्य आसा. देखून येता त्या सगळ्या वेंचणुकांनी बॅलेट पेपरांचोच वापर करचो, ईव्हीएम नाका. तेच बरोबर ईव्हीएमाच्या घोळाचो वाद चल्ला म्हण वोट केले बगर रावूं नाकात, मतदान केंद्रांचेर वचात आनी मोलादीक मत घालूनच येत, असोळण्याचे सभेत गोंयच्या एक्टिविस्टांनी मागला. आमी आयज हांगासर आयिल्ली आसा ह्या रेजिना हॉलान आसोल्लो. आमी लायक मायंडेड जे टीम आसा ईव्हीएम हटाव, आमी हो एक काय धाकोसो डॅमो घडोवन हाडपाचे आसा आनी म्हाका खुशी भोगता की आसोल्लो चिंचणीचो लोक हांगासर येयल्लो आसा. वेल, विथ दीस मिटींग इज नॉट अगेन्स्ट एनी गव्हर्मेंट, दीस मिटींग इज नॉट अगेन्स्ट एनी लिडर, बट दीस मिटींग इज ओनली टू एज्युकेट द जनता, आय मीन टू से द पीपल हू आर कम हियर डेट येस ईव्हीएम्स कॅन बी मॅनिप्युलेटेड. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलं असतली किती इलेक्शन जाऊन गेल्या. इट इज नॉट ओनली ड्युरींग दीस टर्म ऑर लास्ट टर्म, ईव्हीएम स्टार्ट झाला तेव्हा सांगून तुम्ही देशभरात पळयलं असतले कितले कडे ईव्हीएम मॅनिप्युलेट केले जाल्ले आसा, कितले शेतांनी ईव्हीएम मेळिल्ली आसा, कोणाचे गोदावनात ईव्हीएम मेळिल्ली आसा. आमची इतलेच मागणी आसा की गेट बॅक टू द बॅलट पेपर, कित्याक आमची जाणटी पूर्वज जी आसली ती बॅलट पेपराचेर कोत्ताली. आनी जेन्ना आयज देशांत all the other foreign countries have already started coming back to the ballot paper, why can't India do this? We just show our transparency. We are happy that Atul sir is come from Delhi and he is going to show the demo how it can be manipulated, because this phone, see, this is all, you know, ye jo phone gadget asa, they are man made machines asa, so man can always play with it, temper with it. So to have transparency we are fighting and we are still with this that we should have ballot voting. This meeting is only to
discuss about what can go wrong in the electronic voting machine. We are not here to blame any government, whether it is a BJP, Congress, Go Forward, Konjo, RG, TMC, Aam Aadmi Party, Samajwadi, nobody. We are only saying that the machine working condition, the way that machine can be manipulated, that there are loopholes in the machine. Nowhere we are saying that any particular government is going to do it. But since the loopholes are there, it can be done by any government. Whichever successive government gele ani aile ani bhaja bhode etele the. The idea is to show that there is a loophole. That's all. That is the meeting to make the people aware on that. But a very important point, in spite of all this, my only one humble request, every person in Goa or India has to go and cast the vote, come what may. There could be some errors or some manipulation. Because of some manipulation, we cannot give a free hand by not voting. So I would request everybody has to exercise the right to vote. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.